मेरा कर्म है धर्म का प्रचार करना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैंने विश्व के कल्याण के लिए आवाज लगा दी है। आज सेमरा की नगरी से इस कल्याण के लिए मेरे साथ कौन चलेगा? अगर वाकई ऐसे ही हम हिंदुस्तानी एकजुट बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कलयुग में भी राम राज्य आएगा। जब कलयुग में भी राम राज्य आएगा तब बच्चा बच्चा एक ही बात गाएगा हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर शहर में, हर मोड़ पे, जय श्री राम। तब लगता है कि वाकई अब भी हिंदुत्व जिंदा है, है जिंदा। आखिर सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई। अब बैठना नहीं है, करो तैयारी अब मंदिर की, जय करो तैयारी अब मंदिर बनवाने के लिए। इतने दिन खामोश रहे आसमाने के लिए हो राम, इतने दिन खामोश रहे आसमाने के लिए। सोचने वाली बात है, क्या क्या राम ने किया नहीं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। क्या क्या राम ने किया नहीं इस जमाने के लिए, इतने दिन खामोश रहे आजमाने के लिए। यारे ऐसे ही डटे रहोगे ना तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान सजा होगा एक दिन अयोध्या नगरी की तरह। राम नगरिया होगी राममय, राम नगरिया होगी राममय, राम लला मुस्काएंगे। राम नगरिया होगी राम, अब तक दिन तंबू में गुजरे अब मंदिर में जाएंगे, अब तक दिन तंबू में गुजरे अब मंदिर में जाएंगे। सुनो, आए विदेशी चित्रकला, आए विदेशी चित्रकला दिखला ये दिन देखने के लिए। ना जाने कितने हमारे पूर्वज चले गए, ये कोई एक या दो साल का इंतजार नहीं, पूरे 500 वर्ष लगे हम सबको इंतजार किया हम सब ने, और सबसे ज्यादा वो अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी महाराज ने इंतजार किया, तब जाके ये दिन आया जिस दिन हम सब ये खुशी मना रहे हैं। ये कोई एक या दो दिन का इंतजार नहीं है, जब वो दिन आया सबसे ज्यादा खुशी हुई उनके सेवक बजरंगबली हनुमान को।
अंजनी लाल हुए साधु संत महंत वैज्ञानी मन में अपने निहाल हुए साधु संत महंत वैज्ञानी अपने अपने निहाल हुए इंसान तो इंसान सुनो मचल उठी सरयू की धारा जय श्री राम बोलो जय श्री राम मचल उठी सरयू की धार लहराने के लिए इतने दिन खामोश रहे आजमाने के लिए हो रहा इतने दिन खामोश रहे हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं होगा देखा जाए हर युग में ईश्वर ने सत्य को बचाने की खातिर एक वचन को बचाने की खातिर क्या क्या नहीं किया क्या क्या नहीं किया और हमने क्या किया सिर्फ इंतजार ईश्वर ने हर युग में अवतार लिया कलयुग में भी अवतार लेंगे लेकिन कब लेंगे इसका कोई पता नहीं लेकिन तब तक क्या हम खामोश बैठे रहेंगे तब तक क्या खामोश बैठे रहेंगे देखो और धर्म के लोगों को हफ्ते में उनका एक दिन सुनिश्चित है जब वो एकत्रित होके अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं हमने कौन सा दिन चुन रखा है कौन सा दिन चुन रखा है अरे मंगलवार को ही आ जाओ शनिवार को ही आ जाओ जिस दिन कोई काम नहीं हफ्ते में एक दिन ऐसा मना लो जिस दिन कोई काम नहीं होगा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे धर्म के लिए सोचना होगा और कुछ नहीं होगा तब वो दिन आएगा प्यारे जब कलयुग में राम राज्य आएगा हनुमान के संग भक्तों का सपना सच हो जाएगा हनुमान के संग धीरज का सपना सच हो जाएगा एक बार फिर से कलयुग में राम राज्य आ जाएगा तैयार अयोध्या जय श्री राम बोलो जय श्री राम है तैयार अयोध्या स्वर्ग बनाने के लिए इतने दिन खामोश रहे अजमाने के लिए हो राम इतने दिन खामोश रहे अजमाने के हर युग में ईश्वर ने कुछ ना कुछ किया देखा जाए तो सत्य की खातिर सतयुग में सत्य की खातिर पत्नी सुत संग हरिश्चंद्र बिक जाते हैं त्रेता में सत्य की खातिर राजा युधिष्ठिर सीधे प्राण गवाते हैं द्वापर में सत्य की खातिर राजा दशरथ सीधे स्वर्ग सिधाते हैं और कलयुग में वो अयोध्या में कार सेवक सत्य की खातिर अपनी जान गवाते हैं हम क्या करते हैं खामोश रहते हैं सिर्फ और सिर्फ खामोश क्या क्या राम ने किया नहीं जय श्री राम बोलो जय श्री राम क्या क्या राम ने किया नहीं इस जमाने के लिए इतने दिन खामोश रहे अजमाने के लिए हो राम इतने दिन खामोश रहे अजमाने के लिए हर आंख का सपना साकार हो गया हर आंख का सपना साकार हो गया तैयार अयोध्या में मंदिर का आकार हो गया हर दिल में छवि राम की आएगी अब नजर क्योंकि धरती पे साक्षात स्वर्ग का आकार हो गया।